दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की बढ़ रही रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बूस्टर डोज लगाने की रफ्तार को बढ़ाने की बात कही। वही वजह है कि ग्वालियर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे आ गया है। सीएमएचओ ने जिला टीकाकरण अधिकारी से वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी ली है और बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले में अभी लगभग 7,000 वैक्सीनेशन कैंप जो है उपलब्ध है, जिसके 31 जनवरी 2023 को एक्सपायर होने की बात बताई जा रही है। बात सामने आई है कि जिले में अब तक वैक्सीनेशन के आंकड़े की अगर बात की जाए तो कुल 37,61,825 वैक्सीनेशन के डोज लगाए गए हैं। इनमें पहला डोज 17,87,947, दूसरा डोज 16,82,465 लोगों को लगाया जा चुका है, जबकि बूस्टर डोज 2,91,413 लोगों को लग पाया है। यही वजह है कि लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट से सुरक्षित रखने के लिए बूस्टर डोज बढ़ाने के निर्देश जारी हुए हैं। बुधवार को जिले में 7,000 डोज उपलब्ध रहे, जिनकी एक्सपायरी 31 जनवरी 2023 की है। कोविड वैक्सीन अभी अपने टोटल डोज हम लोग 27,61,000 लगवा चुके हैं। उसमें से 17,87,000 फर्स्ट डोज का है और सेकेंड डोज 16,82,000 है और प्रिकॉशन डोज 2,91,000 हमारे पास में लग चुकी है अपने। तो इसके हिसाब से जैसा आज आपने पढ़ा भी होगा कि वो सब जगह खबर भी है कि अपन 90% से ज़्यादा अपने लोग वैक्सीनेटेड है, इसलिए कोविड के लिए अपने को मतलब उसको प्रिकॉशन में लेना, ऐसे पैनिक नहीं।